बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम लेक्चर नंबर 14 में वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का, हमने लास्ट लेक्चर में प्रोटोकॉल किया था TCP और UDP, आज हम इनका डिफरेंस आपस में देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। TCP वर्सेस UDP। TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। TCP क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कि इसका कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि जितनी भी डिवाइसेस TCP यूज़ करता है या क्लाइंट और सर्वर, उसके अंदर जो सेंडर होता है वो इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन जो रिसीवर होता है उसके साथ। वो रिसीवर डिवाइसेस भी हो सकती हैं, रिसीवर सर्वर भी हो सकता है। तो उसके साथ पहले कनेक्शन बना लेता है, मतलब कि पहले इंश्योर कर लेता है कि हम दोनों का कनेक्शन बन चुका है और अब हम रेडी हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और उसके बाद जब डाटा ट्रांसमिट हो जाता है, उसके बाद कनेक्शन जो है उसको क्लोज भी करते हैं ये TCP में। जबकि UDP इज़ अ डाटाग्राम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ नो ओवरहेड फॉर ओपनिंग अ कनेक्शन, मेंटेनिंग अ कनेक्शन एंड टर्मिनेटिंग अ कनेक्शन। इसके अंदर UDP जो के है वो डाटाग्राम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसके अंदर कोई ओवरहेड इस तरह का नहीं लगता कि वो कनेक्शन को ओपन करें और उसे मेंटेन करके रखें और उसे टर्मिनेट करें जब डाटा सेंड हो जाए। इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, जबकि TCP जो है ये सारा कुछ मेंटेन करता है कनेक्शन को और टर्मिनेट भी करता है जब डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है, TCP इज़ रिलायबल एज इट गारंटीज़ डिलीवरी ऑफ डाटा टू बी डेस्टिनेशन राउटर। ये गारंटी देता है इस चीज़ की कि डाटा जो है वो डिलीवर हो चुका है राउटर तक या जो भी उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक। जबकि UDP में इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती कि डाटा पहुँचा है वहाँ तक कि नहीं पहुँचा, जबकि ये सिर्फ जो है ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट टाइप नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ हमने ब्रॉडकास्ट करनी हो या मल्टीकास्टिंग। ठीक है, TCP प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव एरर चेकिंग मैकेनिज्म। इसके अंदर एरर चेकिंग मैकेनिज्म भी यूज़ होता है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर फ्लो कंट्रोल और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाटा भी मिलती रहती है। इस वजह से हमें पता चलता रहता है कि कौन सा पैकेट जो है वो नहीं मिला या कोई एरर आया, तो उसकी एक भी हमें मिलेगी नेक्स्ट साइड से, सर्वर साइड से, कि ये पैकेट जो है वो मुझे नहीं मिला तो दोबारा रीट्रांसमिट कर दो। जबकि UDP हैज़ ओनली द बेसिक एरर चेकिंग मैकेनिज्म यूजिंग चेकसम। चेकसम के थ्रू ये भी चेक करता है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सा एरर चेकिंग मैकेनिज्म होता है, कोई ख़ास जैसे रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता। जबकि TCP इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर देन UDP। जैसे कि इसने एक भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसने एक भी लेनी है जब कोई चीज़ कोई पैकेट ट्रांसमिट होता है उसकी एक आती है नेक्स्ट साइड से, तो जब एक आएगी तो ज़ाहरी बात है फिर कनेक्शन में थोड़ा स्लोली डाटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। जबकि UDP में सिर्फ एक साइड से डाटा वो सेंड करता रहेगा, तो वो ये ज़्यादा फास्ट है। जहाँ पे हमें फास्टनेस या स्पीड चाहिए वहाँ हम UDP यूज़ करेंगे, जहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए वहाँ पर हम TCP यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है, सिक्वेंसिंग ऑफ डाटा इज़ अ फीचर ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दिस मीन्स द पैकेट्स अराइव्ड इन ऑर्डर एट द रिसीवर। जो भी पैकेट्स हैं वो रिसीवर साइड पे ऑर्डर्ड में आए। सीक्वेंसिंग हमने पढ़ा था TCP के अंदर कि हर पैकेट के ऊपर सीक्वेंस ये ऐड कर देता है, सीक्वेंस नंबर के, ये सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से सीक्वेंस जो है वो रिसीवर साइड पे ऑर्डर में वो चेक कर सकता है। TCP इज़ रिलायबल एज इट गारंटीज डिलीवरी ऑफ डाटा टू बी डेस्टिनेशन राउटर। तो ये हमने पहले भी देखा है कि TCP जो है वो गारंटी देता है डाटा की डिलीवरी पे। देर इज़ UDP में क्या है, देर इज़ नो सीक्वेंसिंग ऑफ डाटा इन UDP। कोई सीक्वेंस नहीं है डाटा का। अगर डाटा ऑर्डर में जाता है तब भी ठीक है, अगर नहीं भी जा रहा तो इसको इससे कोई गर्ज नहीं है। वो एप्लीकेशन लेयर पे मैनेज किस तरीके से होता है इससे गर्ज नहीं है। फिर उसके बाद है, रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट्स इज़ पॉसिबल इन TCP। TCP के अंदर किस तरह से लॉस्ट पैकेट जो है वो पॉसिबल है कि जब एक पैकेट नेक्स्ट पे गया उसका सीक्वेंस भी साथ में लगा है। ठीक है, नंबर 1 सीक्वेंस वाला पैकेट जो है वो सर्वर साइड पे चला गया, उसने रिसीव कर लिया, उसने एक एक सेंड कर दी कि मुझे नंबर 1 जो है पैकेट वो मिल गया। फिर उसने नंबर 2 वाला पैकेट जो है सेंड किया क्लाइंट ने, लेकिन वो सर्वर तक नहीं पहुंचा। तो अब क्या होगा, वो एक नहीं सेंड करेगा क्योंकि उसके पास कोई डाटा ही नहीं गया।
तो जब कोई पैकेट जाता है तभी वो एक सेंड करता है, अगर उसके पास कोई पैकेट ही नहीं गया तो वो एक नहीं सेंड करेगा। तो फिर क्या होगा कि इस साइड से पैकेट नंबर 3 सेंड होगा क्योंकि इसने 2 सेंड कर दिया था, तो उसकी भी एक वो फिर वो एक में सेंड करेगा कि नंबर 2 वाला जो पैकेट था वो मुझे नहीं रिसीव हुआ, तो वो दोबारा रिट्रांसमिट कर देगा। तो इस तरीके से ये रिट्रांसमिशन इसके अंदर पॉसिबल है, लेकिन यूडीपी के अंदर कोई ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। टीसीपी हैज़ 2280 बाइट वेरिएबल लेंथ हैडर। जो इसका हैडर है वो मैंने आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में कि इसका हैडर ये देख सकते हो आप कि इसके हैडर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से ये 2280 बाइट्स जो है वो कैरी करता है। जब भी ये टीसीपी को हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यूडीपी हैज़ 8 बाइट्स फिक्स्ड लेंथ हैडर। 8 बाइट का फिक्स लेंथ हैडर है और इसके अंदर चेकसम ही होता है बेसिकली, और ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। सोर्स वाला होता है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, इसलिए ये 8 बाइट फिक्स्ड है इसका। लेकिन इसके अंदर वेरी कर सकता है उस डाटा के हिसाब से कि 20 to 80 बाइट्स जो है वो वेरिएबल लेंथ जो है हेडर होता है। फिर उसके बाद टीसीपी इज़ हैवी वेटेड। टीसीपी हैवी वेटेड है क्योंकि ये इतनी चीज़ें जो है उसे रिलायबिलिटी के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन यूडीपी इज़ लाइट वेटेड है। उसके बाद टीसीपी डजेंट सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग। टीसीपी के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग करना तो पागलपंती है कि ब्रॉडकास्टिंग कहीं पे मतलब लाइव चीज़ कहीं पे पहुंची होगी और जो टीवी पे या आपको कंप्यूटर पे नज़र आ रही होगी वो तो बहुत पीछे होगी, क्योंकि पैकेट जो है वो लॉस्ट होते रहते हैं और इस तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा इसमें। फिर उसके अलावा यूडीपी सपोर्ट करती है ब्रॉडकास्टिंग क्योंकि इसने सिग्नल सेंड कर पैकेट सेंड करते ही जाना है, करते ही जाना है। इसने इस चीज़ को इंश्योर नहीं करना कि दूसरी साइड पे पैकेट मिला है या नहीं मिला। फिर उसके बाद है टीसीपी इज़ यूज बाय HTTPS, FTP, SMTP और टेलनेट। ये सारी जो एप्लीकेशन लेयर पे चीज़ें हैं वो टीसीपी को यूज़ करते हैं रिलायबिलिटी क्योंकि इनको चाहिए, जबकि यूडीपी यूजेस DNS, डोमेन नेम सिस्टम, DHCP, TFTP भी यूज़ करता है, SNMP और RIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूडीपी को यूज़ करती हैं क्योंकि इन्हें रिलायबिलिटी ज़्यादा नहीं चाहिए होती बल्कि स्पीड चाहिए होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये एक एग्जांपल है पिक्चर के थ्रू। यहाँ पे सपोज करें कि ये जो ब्रिज है ये आपका टीसीपी कनेक्शन है एक साइड से दूसरी साइड पे, मतलब क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे टीसीपी कनेक्शन जो है ये ब्रिज के थ्रू बना हुआ है, और जब भी कोई डाटा सेंड करना होगा तो ब्रिज के थ्रू जाएगा और रिलायबल मतलब एक रिलायबिलिटी परफॉर्म करेगा कि एक साइड से दूसरी तक साइड तक गारंटीड पहुंच रही है एक चीज़, ठीक है, गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है या कोई मैसेज है तो वो एक साइड से दूसरी साइड तक किसी भी चीज़ के थ्रू पहुंच सकती है रिलायबिलिटी रिलायबल तौर पे। तो जबकि ये जो पिजन आप देख रहे हो यहाँ पे ये यूडीपी को शो कर रहा है, ये एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है। सपोज करो कि पैकेट लेके जा रहा है, कोई मैसेज लेके जा रहा है, एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है, फास्ट जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हो सकता है कि ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, ये यहाँ पे इसके अपने दोस्तों के साथ ये बैठ जाए या किसी और साइड को निकल जाए। ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपका डाटा जो है ये कबूतर जो है दूसरी साइड पर ही पहुँचेगा, हो सकता है कहीं और पर चला जाए। लेकिन अगर ये जाएगा, सपोज कि अगर ये जाएगा तो ये उससे ज़्यादा फास्ट जाएगा जो भी चीज़ इस ब्रिज पे चलेगी, ये उड़ के फटाफट उस साइड पे पहुंच जाएगा, जबकि इस चीज़ को स्टार्ट करने में टाइम लगाने में चेक करने में काफ़ी चीज़ें जो है वो वेस्ट होगा टाइम, जबकि इसको सिर्फ ये उड़ेगा और दूसरी साइड पे चलेगा। तो ये यूडीपी की एग्जांपल शो करता है ये पिजन, और ये जो ब्रिज है ये टीसीपी की एग्जांपल शो करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि आपको समझ आया हो यूडीपी और टीसीपी के बारे में अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ लगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।